his crown going DUCD. हमें समझाएंगे कि कोर गो गेटर ये जो कंसेप्ट है जो सिस्टम है उसका किस प्रकार से बिजनेस में उपयोग करना चाहिए और अगर हम उनको पकड़ के रखते हैं इस चीजों को तो हमारे बिजनेस में कैसी ग्रोथ होगी। ये सारी जो बेसिक चीजें हैं उसके ऊपर अगर हम ध्यान देते हैं तो बिजनेस में बहुत बड़ी ग्रोथ हो सकती है। तो उसलिए हम आमंत्रित करना चाहते हैं क्राउन गोइंग DUCD संदीप कोटवा सर ऑन द स्टेज। जोरदार तालियों के साथ हम संदीप का स्वागत करेंगे यहाँ पे। यस संदीप। यस यस थैंक यू सो मच रंजित सर, थैंक यू सो मच सारे अपलाइन के जिनकी वजह से आज यहाँ पे हूँ और पूरी LOS का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज उनकी बदौलत यहाँ पे बोलने का मौका भी मुझे मिल रहा है। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है लीडरशिप हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें और स्पेशली आज के सेशन के लिए। दोस्तों इस बिजनेस में अगर हम आए हैं तो कुछ तरीके हैं जो हमें फॉलो करने होंगे और एक बहुत ही प्यारा सिस्टम हमारे साथ जुड़ा है विनिंग टीम कि जिसको करके हम फॉलो अगर करते हैं तो डेफिनेटली हमारी जो डेस्टिनेशन है जहां जितने स्पीड में हम पहुंचना चाहते हैं उससे कम समय में हम पहुंच सकते हैं। तो हम आज के ट्रेनिंग के लिए शुरुआत करते हैं लेकिन अभी 2 तारीख आज है, आज हमारा सितंबर मंथ स्टार्ट हो गया है तो लास्ट मंथ में जितने भी क्वालिफायर्स है जिन्होंने अपना कोर क्वालिफाई किया, जिन्होंने अपना गो गेटर क्वालिफाई किया, जिन्होंने 500 PV सर्कल क्वालिफाई किया, जिन्होंने नई पिन अचीव की, वो सारे लोगों को मैं और मैं हमारी पूरी टीम की तरफ से उनको हार्दिक बधाई देते क्योंकि इस बिजनेस को रिकॉग्निशन हमेशा होता है। अभी फिजिकल मीटिंग स्टार्ट हो गए तो फिजिकल मीटिंग में हम रिकॉग्निशन स्टार्ट किए तो अभी वर्चुअल जो मीटिंग होती है हमारी वो हमें पॉसिबल नहीं है अभी सभी का रिकॉग्निशन करना। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि लास्ट मंथ ने बहुत सारे लोगों ने 500 PV क्लब अचीव किया हो तो आप ये सेशन बहुत ही बारीकी से ध्यान से सुने और जितने भी नए लोग जिन्होंने अभी पिछले महीने में स्टार्ट किया है, 1-2 महीने में स्टार्ट किया है, ऐसे अगर कुछ लोग हैं तो वो भी सीरियसली अपनी नोटबुक और पेन लेके साथ में बैठे ताकि ये सेशन में जितनी सारी जो भी कुछ टेक्निक्स आपको समझ आएगी, जो आपको अच्छा लगे, जिसको आपको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है हमारे बिजनेस के लिए तो वो आप नोट डाउन कर सकते हो। बराबर। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ यहाँ पे मेरी, मैं सेशन को बिल्कुल शुरुआत कर रहा हूँ। रंजित सर प्लीज मुझे गाइड करना, मेरी स्क्रीन आपको नजर आ रही है कि नहीं? यस सर। यस यस सर परफेक्ट है सर। यस परफेक्ट। ओके सो सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों आज के हमारे लीडरशिप प्रोग्राम में। तो मेरा नाम है संदीप कोठोल, मिसेस योगिता के साथ मैं बहुत ही पैशनेटली इस अपॉर्चुनिटी के साथ काम कर रहा हूं और लगभग मैं बाय प्रोफेशन बिजनेसमैन था, मल्टी बिजनेसेस कर रहा था और मेरी वाइफ गवर्नमेंट जॉब में है, दोनों भी पैशनेटली इस अपॉर्चुनिटी को बिल्ड कर रहे और आप भी यहाँ पे आए हो, इस मीटिंग में का हिस्सा बने हो, इसका मतलब है कि आप भी उतने पैशनेट है अपने करियर के लिए, अपने सपनों के लिए। बराबर। तो नेक्स्ट यहाँ पे एक चीज है कि आप सब जानते हो कि हम ये बिजनेस क्यों कर रहे, क्योंकि रीजन के बिना कुछ नहीं होता है। तो जब तक हमारा वाई क्लियर नहीं होता है तो डेफिनेटली हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो वाई क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अगर आप नए हो तो मैं वापिस से आपको दोहराना चाहता हूँ कि हमारे जो आज तक संभव नहीं हुए ऐसे कुछ सपने हैं जिनको हम लिस्ट निकाल सकते हैं, उनको पिक्चराइज कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। और हमेशा आपने जितने भी सक्सेसफुल लोगों को सुना है उन्होंने यही बात की है कि ड्रीम बिग, बड़ा सोचो, सपने बड़े करो तो आप उसको पूरी करने की ताकत रखेंगे। तो सपने क्या होते, अभी यहाँ पे अगर हम आते हैं तो देखिए अनलिमिटेड पैसा बहुत सारे लोगों का सपना है, मेरा भी वो सपना है कि फाइनेंशियली फ्री होना है। सेकेंड सपना है हमारा हाउस अच्छा हो, बंगलो हो, लग्जरियस कार चलानी हमें हर एक को, ट्रैवल करना है अराउंड द वर्ल्ड, अच्छी सेहत, गुड हेल्थ, ये भी आज की तारीख में सपना बन गया है। और रिकॉग्निशन, दोस्तों ये रिकॉग्निशन के लिए 1 मिनट में बात करूंगा। यहाँ पे आप सब अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े हो, अगर मेरी बात करें तो मैं मल्टी बिजनेसेस करता था ये बताने के लिए है, लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो मैं ड्राइविंग का बिजनेस करता था, मैं मेरी गाड़ी, मेरी ऑटो, यही सब मैं दिन भर, आज करीबन 15 से 20 साल से मैं ये करियर में हूँ।
आज एक से मैंने चार गाड़ी की, लेकिन चार गाड़ी करने के बाद भी मुझे गाड़ी चलानी पड़ रही थी। तो वहां पे आपको पता है, अभी आप ओला उबेर में भी कभी ट्रैवल करते हो, कभी ऑटो में भी आप बैठे रहेंगे, कभी ट्रक में भी बैठे रहेंगे, कभी बस में भी बैठे रहेंगे, तो वहां पे आप ड्राइवर को क्या इज्जत देते हो। तो ये रिकॉग्निशन, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं उनको रिकॉग्निशन बहुत इम्पोर्टेंट लगेगा, तो ये भी एक सपना हो सकता है किसी का। और उसके साथ में अभी यहाँ पे अलग अलग, मतलब कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई प्रोफेशनल है, तो हर एक के लिए अलग अलग सपना है। अभी जॉब, बहुत सारे मेरे दोस्त थे ऐसे के मतलब जॉब मजबूरी के लिए कर रहे, तो उनको जॉब फ्रीडम पाना ऐसे भी आपका सपना हो सकता है। प्रोफेशनल है, अभी यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे डॉक्टर भी कनेक्टेड है, अभी डॉक्टर कोंडा सर बिदर से कनेक्ट हुए, तो ऑलरेडी उनके पास तो पैसा ये सब कुछ है, बराबर है, लेकिन टाइम फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज वो टाइम फ्रीडम के लिए इस बिजनेस में है, तो काफी सारे लोग टाइम पाने के लिए भी इस बिजनेस से जुड़ते हैं। तो आपका भी सपना आपको इवेल्यूएट करना पड़ेगा। यहाँ पे चिल्ड्रन का बेस्ट एजुकेशन, हर माँ बाप का एक ये सपना होता है, कॉमन सपना है कि हमारी बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है, उनका करियर अच्छे से सेट करना है, तो ये बेसिक सपने हैं। लेकिन आज के तारीख में हमारे जो इनकम सोर्सेस है वहां से वो पॉसिबल नहीं हो रहा है, इसके लिए हमने ये अपॉर्चुनिटी के साथ कनेक्ट हुए। तो ये समझना हमें होगा कि हमारे सपनों को हमें इवेल्यूएट करना पड़ेगा, उनको लिखना पड़ेगा, आपको क्या हासिल करना है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ शुरुआत में ही, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वेस्टेज बिजनेस, ये विदाउट इन्वेस्टमेंट, जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो ये जीरो इन्वेस्टमेंट नहीं कह सकते, यहाँ पे हमें अपने सपनों को इन्वेस्ट करना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और आज जो भी यहाँ से DUCD बना है, जो भी आज 5 लाख 10 लाख 50 लाख बना रहा है, ये हर एक का कहना है कि उन्होंने अपना सपना बड़ा किया, तभी उन्होंने वो हासिल किया। तो अगर आप भी दम रखते हैं अपने सपनों को बड़ा करने का, तो डेफिनेटली आप भी यहाँ से सक्सेसफुल बन सकते हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने देखा कि वाई बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपने उसको क्लियर कर लिया है। तो अभी समझते हैं कि इसको हम पूरा कैसे करेंगे, वो प्रोसेस है, बराबर है। ये ठान लिया तो डेफिनेटली वो होगा ही, लेकिन बाकी उस डेट तक जाने के लिए, वो सपना अचीव करने के डेट तक जाने के लिए जो टाइम लगेगा, वो प्रोसेस है दोस्तों, और वो प्रोसेस को एंजॉय करना पड़ेगा। और यही प्रोसेस मैं आज यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए, शुरुआत में जब हम इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो वहां पे देखिए आज मार्केट में इनकम सोर्सेस अलग अलग है, हर कोई यहाँ पे कनेक्ट हुआ है, कोई जॉब करता है, वो जॉब गवर्नमेंट हो सकता है या प्राइवेट हो सकता है, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है मेरे जैसा कि जो खुद की नौकरी तैयार की और उसमें समय दे रहा है, और कोई प्रोफेशनल्स भी है। तो ऐसे बहुत सारे रास्ते थे हमारे पास कि हमारे करियर डेवलप करने के लिए। लेकिन यहाँ पे ये आप फर्स्ट जो रास्ता देख रहे हो, यहाँ पे ये रास्ते पे क्या होता है कि अगर कोई बड़ी गाड़ी अगर सामने से आ जाती है, तो हमें एक साइड में रुकना पड़ता है, उसको पास होने देना पड़ता है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सिंगल वे रोड है दोस्तों। तो फिर हमें एक रास्ता और एक मिला जहां पे टू वे था, और वहां पे हमें वेस्टिज की मुलाकात हुई, जो आपके अपलाइन ने आपको मार्केटिंग प्लान बताया, जो भी बिजनेस के बारे में बताया, और आपकी शुरुआत हुई। और यहाँ पे जितने भी लोग आए उन्होंने फ्री में रजिस्ट्रेशन किया, आप डिस्ट्रीब्यूटर बने, और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद हम एक एक लेवल अभी आगे बढ़ रहे। यहां से जो भी आज सक्सेसफुल बना है, वो UCD हो, DCD हो, DCD हो, और आज एम्बेसडर भी बना हो, ये सबकी शुरुआत 5% से हुई। तो आज अगर आप कोई व्यक्ति 5% पे है, तो आप सही जगह पर रहे, क्योंकि सभी की शुरुआत यहां से ही होती है। तो 5% है, 8% कोई रहेगा, कोई 10% रहेंगे, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, स्टार, डायमंड, क्राउन। यहाँ पे मैंने क्राउन डायरेक्टर तक लेवल रखी। ये क्यों रखी है? क्योंकि वेस्टेज में अगर आप देखा जाए, क्राउन डायरेक्टर के बाद यूनिवर्सल क्राउन होता है, उसके बाद डबल क्राउन होता है, और लास्ट में जो है डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। तो वो तीन पिन मैंने यहाँ पे नहीं रखी, लेकिन क्राउन डायरेक्टर एक पिन ऐसी यहाँ पे रखी है। क्यों? क्योंकि इस पिन पे आप आपकी सिक्योर इनकम कमाना स्टार्ट कर दो। आपने देखा होगा मार्केटिंग प्लान में, तो क्राउन डायरेक्टर बनने के बाद भी अगर हमें जिंदगी में कुछ हो जाता है, तो भी हमें वो सिक्योर इनकम आती है, इसीलिए क्राउन डायरेक्टर लेवल तक। और हैंडसम इनकम, 1 लाख रुपए की करीब की इनकम आप इस लेवल पर अचीव करते हो, बराबर। तो ये इसीलिए क्राउन डायरेक्टर तक लेवल लिया है। अभी दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो स्टेप है, 1, 2, 3, 4, 9 तक है, लेकिन इसमें भी आपको अगर शॉर्टकट है या आपके डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंचना है, क्राउन डायरेक्टर लेवल जल्दी अचीव करनी है,
तो यहाँ पे हम बहुत भाग्यशाली है कि हमारा वेस्टीज में जन्म विनिंग टीम में हुआ है, क्योंकि आज हमें पता चल रहा है एक बड़े लेवल पर आने के बाद में जब हम आज अलग अलग लोकेशन पे जाते हैं, अलग अलग लीडर्स में मिलते हैं, तो वहां पे पता चलता है कि विनिंग टीम सिस्टम की वैल्यू क्या है, क्योंकि आज उनके पास वो सिस्टम नहीं है तो वो तरसते हैं सिस्टम के लिए। तो हम बहुत भाग्यशाली है कि हमारा जन्म ही विनिंग टीम सिस्टम से हुआ है। तो यहाँ पे विनिंग टीम सिस्टम हमें एक एक्सप्रेस हाईवे तैयार करके दिया है। अभी यहाँ पे आपकी गाड़ी कितने स्पीड में चलाना है और आपको डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, यह हमें अपने आप को तय करना है। किसी ने 5 महीने में क्राउन डायरेक्टर लेवल अचीव किया, किसी ने 2 महीने में किया है, किसी ने 1 साल में किया है, किसी को 3 साल लगे, हर एक का स्पीड अलग अलग है। लेकिन जो विनिंग टीम ने रास्ता दिया है, लेकिन बाकी लोगों से विनिंग टीम के रास्ते पे अगर चलते हैं तो हमें बहुत सी रुकावटें नहीं आएगी, हम आसानी से वहां पे पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे क्या स्टेप है? तो सबसे पहला स्टेप है कि हमें कोर बनना होगा, दूसरा स्टेप है गो गेटर बनना होगा, तीसरा स्टेप है 500 PV क्लब अचीव करना होगा, फोर्थ है क्राउन क्लब, और लास्ट में आप अचीव करोगे क्राउन डायरेक्टर। तो अभी आपको डिसाइड करना है कि 1 से 9 में धक्के खाते जाना है या 1 से 5 में आराम से जाना है। बराबर। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अभी भी जितने लोग यहाँ पे मौजूद है, आप ये सेशन एंड होने तक अगर रुकते हैं तो मैं गारंटी देता हूं आपको कि ये सेशन के बाद आपके जिंदगी में जो स्पीड आने वाला है वो कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि आज वो सब आप महसूस करोगे इस प्रेजेंटेशन में। बराबर। तो हम कंटिन्यू करते हैं, आगे चलते हैं, समझते हैं कि ये कोर और गो गेटर लीडरशिप ट्रेनिंग क्या है। बराबर। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, लीडरशिप इज द कैपेसिटी टू ट्रांसलेट विजन इनटू रियलिटी। बहुत ही सिंपल यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, लीडरशिप इज द की इज द कैपेसिटी टू ट्रांसलेट विजन इनटू रियलिटी। तो दोस्तों देखिए, ये बिजनेस जो है ना, ये लीडरशिप का बिजनेस है। आप जितने जल्दी लीडरशिप लेते हो और ये सब चीजों को फॉलो करते हो, उतने जल्दी आप एक बड़े प्लेटफॉर्म में अपने आप को देखोगे। बराबर। तो यस, कुछ बेसिक चीजें हैं, अगर आप नए भी हो तो आप नोट डाउन करें। बिजनेस के लिए जरूरी है जो चीजें, ये है फाइंड योर ड्रीम्स। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आपको ड्रीम बनाना है, आपके जो भी सपने हैं अपने फैमिली के साथ, अपने वाइफ बच्चों के साथ इकट्ठा आइए और उन हर एक व्यक्ति को पूछिए कि आपको मेरे से ये जिंदगी में क्या क्या चाहिए। तो वो फिर बताना स्टार्ट करेंगे, मुझे कोई बोलेगा मुझे बाइक चाहिए, कोई मुझे बोलेगा मोबाइल चाहिए, बच्चे बोलेंगे हमें घूमने जाना है, तो उनके सपने बाहर आएंगे। तब आपको पता चलेगा, अरे इसके बारे में तो हमने कभी सोचा ही नहीं, हमने उनको पूछा ही नहीं उनके सपने क्या। तो हम क्या कर रहे हैं, आज जो हमारी आमदनी है उसमें ही कॉम्प्रोमाइज का लाइफ जी रहे, तो उससे हमें थोड़ा बाहर आके सोचना होगा, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा। तो सपनों को आप डायरी पे लिखें और अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के साथ आपकी गोल लिस्ट बनाइए कि अगर आपको जो भी आपके सपने हैं तो आप कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे एक स्टोरी मुझे याद आ रही है, मैं जिक्र करूंगा उसकी। देखिए, एक गांव होता है और वो गांव में एक पर्सन नया जाता है। अभी वो नया पर्सन जब उस गांव में पहुंचता है तो उससे तो वो गांव में कुछ मालूम नहीं होता है। बराबर। और वो वहां पे सर्च करते रहता है तो कोई वहां पे दिख नहीं रहता, लेकिन एक चौराहे के ऊपर, एक कट्टे के ऊपर एक बूढ़े पर्सन बैठे रहते थे। तो उनके पास जाता है और उनको बोलता है, चाचा जी मुझे स्टेशन जाना है, आप प्लीज मुझे गाइड करें, रास्ता बताइए। तो चाचा जी बोलते हैं, यहाँ से आप जाओगे आगे राइट लेना, फिर लेफ्ट लेना और सामने स्टेशन है। तो इतना ही बोलता है और कितना समय लगेगा, वापिस वो जो पर्सन है वो अंकल को पूछता है कि अंकल कितना समय लगेगा। अंकल कुछ जवाब नहीं दे रहे, वो उनको लगा कि ये कम सुनते हैं। तो वापिस उसने आवाज बढ़ा के बात की, ऐसा 3-4 बार 10 बार पूछने के बाद भी वो अंकल आवाज नहीं, मतलब रिप्लाई नहीं कर रहे थे। तो ये उसने सोचा कि अभी अंकल ये बूढ़े हो गए, चलो इनको निग्लेक्ट करते, और वो चलने लग गया जैसे उन्होंने रास्ता बताया। जैसे ही वो 10 कदम चला और पीछे से अंकल ने आवाज लगाई, बेटा 15 मिनट लगेंगे। तो वो पर्सन वापिस पीछे आया और अंकल को पूछा, अंकल मैंने आपको 10 बार पूछा और मुझे लगा कि आप कम सुनते हैं, तो मैंने ऊंचे आवाज में भी आपको सवाल पूछा तो आपने जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं जब 10 कदम चलने लगा तब आपने पीछे से आवाज लगाई।
तो वो बूढ़े अंकल ये उसको बोलते हैं कि बेटा तू तो जाना चाहता है स्टेशन, मैंने तो तुझे रास्ता बता दिया, लेकिन अब तू पूछता है कि कितना समय लगेगा, तो ये तो मुझे पता नहीं कि तेरी स्पीड क्या है। तो अगर तू 10 कदम जो चला उसमें मुझे तेरी स्पीड पता चली और मैंने पीछे से बता दिया 15 मिनट लगेंगे। तो इसीलिए दोस्तों ये गोल लिस्ट जो है इसको कन्वर्ट करना होगा। आपके जो सपने हैं वो आपके अपलाइन के साथ आप बैठोगे तो आपकी स्पीड के हिसाब से आपके अपलाइन आपको बताएंगे कि इसको ये टारगेट इतने समय का टारगेट आप लीजिए, बराबर। तो ये इंपॉर्टेंट है गोल लिस्ट बनाना। उसके बाद हमें रॉ मटेरियल चाहिए, और इस बिजनेस का जो रॉ मटेरियल है वो है जितनी बड़ी आपकी लिस्ट होगी उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा, बराबर। तो लिस्ट बहुत बड़ा होना चाहिए, अगर आपकी कम है तो उसको रोज बढ़ाना स्टार्ट करें। हम सफर करते हैं ट्रेन में, बसेस में या और कहीं जाते हैं, तो वहां पे हमें अलग अलग नए नए लोग मिलते हैं, तो तुरंत नंबर एक्सचेंज करना स्टार्ट करें। अपने आप को एक सर्वर की तरह रखिए, अपना एंटीना जो है वो हमेशा ऑन रखना है। कभी भी कहीं से भी आपको कोई मिल गया तो बस उसका नंबर आपके पास आना चाहिए, बराबर। वो आपके लिस्ट में ऐड होना चाहिए, उसका नाम, वो कहाँ रहता है और उसका नंबर। ऐसे करके लिस्ट बनाना स्टार्ट करें। कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट, हमें उनको कॉल करना है, कॉन्टैक्ट करना है, प्रेजेंटेशन देखने के लिए मुलाकात करनी है, मिलना है, मीटिंग करनी है, वन ऑन वन। इसमें अलग अलग तरीके, वन ऑन वन में भी आप एक दूसरे के सामने बैठ के भी कर सकते हैं, ओवरव्यू में भी कर सकते हैं, और ओपन मीटिंग में उनको बुला सकते हैं, जैसे कि हमारी अभी फिजिकल मीटिंग हो रही है, या किसी के घर में होम मीटिंग अगर हो रही है तो वहां पे भी इनवाइट कर सकते हैं, या बड़ी मीटिंग में भी आप इनवाइट कर सकते हैं। तो वहां पे आपको प्रेजेंटेशन देखने के लिए इनविटेशन देना है, फोन के ऊपर प्रेजेंटेशन नहीं देना है, बराबर। तो ये मैं आने वाली स्लाइड में भी बताऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट काम है इस बिजनेस में शो द मार्केटिंग प्लान एंड प्रोडक्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है इस बिजनेस में कि आपको मैसिवली करना होगा। जितना मैसिवली आप उस काम को करोगे उतने मैसिव रिजल्ट आपके आएंगे। और लास्ट जो स्टेप है गेटिंग स्टार्टेड ऑफ बिजनेस। यस दोस्तों, जो आप जिनको प्लान दिखाने वाले हो अगर वो व्यक्ति कनेक्ट होता है तो उसकी सही शुरुआत कराना इस बिजनेस का अहम हिस्सा है। तो ये कुछ बेसिक्स है, ये बेसिक्स के ऊपर ही हम आगे भी बात करेंगे। तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो अभी लिस्ट बनाने के लिए आप कैसे बना सकते हो, तो ये 1 से लेके 500 लोगों का मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखे हैं। तो आप इसको प्रिंट निकाल के आपके दीवारों पे लगा सकते हो, और ये 500 लोगों की लिस्ट आपके डायरी में आप प्रिपेयर कर सकते हो। या एक मकरंद सर ने बहुत अच्छा तरीका हमें बताया था, कॉन्टैक्ट टू PDF। आप गूगल पे सर्च करोगे या सर आपको आपके जो फोन मेमोरी है उसमें से PDF में कन्वर्ट करके वो मिलेगा। इतना सिंपल है कि आप गूगल पे सर्च करिए कॉन्टैक्ट टू PDF, तो आपके जो भी कॉन्टैक्ट है मोबाइल में वो सारे आपके PDF में आ जाएंगे, और नाम और नंबर ऐसे आ जाएंगे, तो आपको आसानी होगी उसको कॉपी करने के लिए। लेकिन ये चार्ट आपको आपके दीवारों पे, आपके ऑफिस टेबल पे या कहीं पर भी आप उसको लगाइए, और इसको कट करना स्टार्ट करें। रोज कितने लोगों को आप प्लान दिखा रहे, रोज कितने लोगों को कॉल कर रहे, इस तरह से उसको काटना चालू करें। और जितने जल्दी आप ये लिस्ट खत्म करोगे, ये नंबर्स खत्म करोगे, आप एक अच्छे मुकाम पे पहुंच चुके रहेंगे। तो ये पर्सनल कॉन्टैक्ट लिस्ट में बात कर रहा हूं। अगर आपकी टीम है, आपकी टीम है तो आप वो टीम के भी यहाँ पे काउंट मत करिए। उनका आपको बनाना है तो उनका अलग बनाने के लिए बोलिए, बराबर। तो ये पर्सनल की बात कर रहा हूँ कि पर्सनल हमारी 500 पीपल की लिस्ट होनी चाहिए। तो ये एक यहाँ पे ऐड किया मैंने। और गेटिंग स्टार्टेड, देखिए सही शुरुआत कराना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बिजनेस है। तो इसको बिजनेस माइंडसेट की तरह अगर हम सोचे तो एक सही शुरुआत कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप क्या चाहते हो, आपके साथ जो लोग आए हैं उनकी सही शुरुआत चाहते हो, या वो धक्के खाते हुए इस बिजनेस को करे ये चाहते हो? तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई चाहता होगा सेकंड ऑप्शन। सभी लोग फर्स्ट ऑप्शन चाहते हैं कि आपके साथ जो लोग कनेक्ट होते हैं वो भी इस बिजनेस की सही शुरुआत करें। अभी ये कैसे करेंगे, तो उसके लिए ये ऑप्शन है कि हमें उनकी शुरुआत कराने के लिए 160 PV से हमें शुरुआत करनी है। ये 150 PV है लेकिन 10 PV में मैंने उसमें ऐड कर दिए है, तो अभी 160 PV। 160 PV क्यों? क्योंकि 100 PV
और 60 PV। अभी आपने ऑफर में देखा, कंचन दाई ने इतने बढ़िया तरीके से हमें ऑफर को एक्सप्लेन किया, तो वो दोनों ऑफर उन्होंने कंसिस्टेंसी के बताया कि 100 PV करने के बाद पांचवें महीने में क्या मिलेगा और 60 PV करने के बाद पांचवें महीने में क्या मिलेगा। इसके लिए 150 करना ही है, तो 10 PV अगर आप ज्यादा करते हो तो 160 करोगे तो 100 PV कंसिस्टेंसी स्टार्ट होगी आपकी और 60 की भी होगी। लेकिन ये नए व्यक्ति को पता नहीं होता है, तो ये गाइडेंस कौन करेगा? एज अ अपलाइन, एज अ फ्रेंड, हमारा वो कर्तव्य है कि हम उनको ये सारी बातें बताएं और 160 पीवी से उनकी शुरुआत करें। अप्रोक्स 4800 या 5000 रुपीज का परचेस होता है, तो एज पर उनकी चॉइस उनके घर में जो भी प्रोडक्ट्स लगते हैं तो आप उनके साथ बैठे और वहां पे लिस्ट बना के उनको परचेसिंग करें। उसके साथ क्या करना है? उसके साथ हमारे पास विनिंग टीम का टूल किट होना चाहिए। अब ये टूल किट में क्या क्या जरूरी है मैं वो भी आपको शो करूंगा। इसमें जरूरी है स्टार्टर पैक, विनिंग टीम का जो स्टार्टर पैक है वो जरूरी है, सीपी सब्सक्रिप्शन जरूरी है, और अगर आप चाहे वो उनको आप विनिंग टीम का एटीट्यूड बुक भी दे सकते हैं। तो ये तीन चीजें टूल किट में ऐड करें और डाउनलोड, जो भी मतलब अभी नया व्यक्ति आपके साथ कनेक्ट हो रहा है तो उसके मोबाइल में वेस्टीज विनिंग टीम के एप्लीकेशन डाउनलोड होने चाहिए और उनको वो आपने गाइड करना चाहिए कि कैसे ऑपरेट करना है। और जो नया व्यक्ति आपके साथ कनेक्ट हो रहा है उनके साथ आपको बहुत जल्दी, मतलब वो उन्होंने आज शुरुआत किया तो विद इन 15 डेज आपको 2 से 3 होम मीटिंग करनी है, बराबर 2 से 3 होम मीटिंग करनी है। अभी होम मीटिंग करने के लिए क्या जरूरी है, वापिस वो जो बेसिक मैंने बताया था वो बेसिक चीजें प्रोस्पेक्ट के साथ आपको करनी है। तो वो मीटिंग कॉलिंग करेंगे, मीटिंग फिक्स होगी और वो मीटिंग आपको हैंडल करनी है। इस तरह से आपको एक अच्छा तरीके से आप उनकी शुरुआत कर सकते हैं। ये हो गया एक तरीका। और दूसरा तरीका है दोस्तों, जहां पे आप उस व्यक्ति की फास्टेड परसेंट से शुरुआत करा सकते हैं। तो फास्टेड परसेंट मतलब क्या है? अभी अगर आप पुराने हैं तो आप सभी को पता है कि फास्टेड परसेंट कैसे अचीव करते। अगर आप नए हैं तो आपके अपलाइन की मदद से आप जान लीजिए कि ये फास्टेड परसेंट क्या है। 282 PV नया व्यक्ति अगर कोई एक ही महीने के अंदर करते हैं तो आप फास्टेड परसेंट बन जाते हैं। अभी के सिचुएशन में अगर देखा जाए तो हमारे वेस्टिज के जितने भी प्रोडक्ट्स है, जितनी भी रेंज है हमारे पास, होम केयर, पर्सनल केयर, न्यूट्रिशन, ब्यूटी, एग्रीकल्चर या वाटर प्यूरिफायर, एयर प्यूरिफायर, ये सारी अगर आप रेंज देखते हैं, उसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर का भी एक प्रोडक्ट आया नैनो एनर्जाइजर, तो ऐसे सारी रेंज को अगर आप देखते हो तो 282 पॉइंट आम बन गए अभी एक घर में लगने के लिए। इसीलिए मैंने वहां पे भी कहा था कि आपको होम मीटिंग बहुत जरूरी है। तो अगर आप होम मीटिंग करते हैं तो उसमें ये सारी चीजें उनके साथ जो कनेक्ट होने वाले हैं तो उनके भी कुछ प्रोडक्ट के ऑर्डर आप उनके परचेस करवा सकते हैं। तो 282 से शुरुआत करने के लिए ये क्या बेनिफिट होगा? अगर वो व्यक्ति, देखिए सामने जो भी व्यक्ति हो उसको हमें दो ऑप्शन देने, एक तो आपने पहला देख लिया 160 पीवी का, दूसरा ये ऑप्शन देना है कि 282 PV। इससे क्या होगा, उनको एक ही चीज ये करनी है कि 282 पीवी आप करते हो और इसी महीने में, अभी सितंबर मंथ में ही आप कितने लोगों को जानते हो, कितनी लिस्ट निकलेगी, ये सब कैलकुलेट करते हुए उनको यही गाइडेंस करना है कि 16 लोगों ने आपको पकड़ के, 16 लोगों ने अगर इसी महीने में 282 पीवी से शुरुआत की तो आपका वॉल्यूम बनता है 4500 PV, मतलब आप बन जाते हैं फास्ट स्टार्ट ब्रांड डायरेक्टर। और फास्ट स्टार्ट ब्रांड डायरेक्टर बनने के बाद आपको डायरेक्टर बोनस भी ऐड होगा और आपको टीम बिल्डिंग बोनस भी ऐड होगा। तो उनका जो चेक बनेगा नया व्यक्ति का, वो कम से कम 10 से 15 हजार के बीच में बन सकता है। तो आप क्या चाहते हो, जो भी व्यक्ति आए वो पैसा बनाने के लिए आने वाला है, तो उनको सही से अगर हम गाइडेंस करते हैं तो डेफिनेटली वो बहुत कम समय में यहाँ से अच्छी अर्निंग करना स्टार्ट करेंगे। अगर मान के चलो कि ये वो एक महीने में नहीं हुआ, लेकिन यही चीज को 2 महीने में अगर करते हैं कि एक महीने में अभी 16 नहीं हुए लेकिन 10 ही हुए और दूसरे महीने में 10 हो गए, तो भी 10 और 20 मिला के 282 पॉइंट का कैलकुलेशन, क्योंकि हमारा वेस्टिज का मार्केटिंग प्लान क्यूमुलेटिव है, मतलब अगर कोई एक महीने में नहीं अचीव कर पाता है तो वो अगले महीने का भी क्लब कर सकते हैं। तो 20 लोगों के साथ 10 इस महीने, 10 उस अगले महीने में किए तो भी आपका टोटल वॉल्यूम होता है 5640 PV और फिर भी आप बनते हो ब्रांड डायरेक्टर। तो इतना बढ़िया बेनिफिट है
ये ब्रांच डायरेक्टर बनते हो तो अलग से जो डायरेक्टर बोनस और टीम बिल्डिंग बोनस के बेनिफिट मिलेंगे, लेकिन आप फास्टेस्ट परसेंट करने के लिए आपको क्या बेनिफिट मिलता है? सबसे पहले आपको डिस्काउंट, जितने प्रोडक्ट आपने परचेस किए उसका डिस्काउंट अगर आप मानते हो तो 1500 रुपए के लगभग आपको रिटेल डिस्काउंट मिलता है, 900-1000 रुपए के आसपास आपको प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं, आपका कैशबैक जो बोनस है करीबन 450 रुपीज के अप्रॉक्स है, ये आपके वॉल्यूम के ऊपर है। और फास्टेस्ट परसेंट अचीव करने के बाद आपको कंपनी की तरफ से 920 रुपीज के प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। तो सोचो दोस्तों कितना बेनिफिट हुआ, अगर आप टोटल करते हो तो 3770 रुपीज का बेनिफिट आपको वो नया व्यक्ति को मिला फास्टेस्ट परसेंट अचीव करने के बाद। अगर यहाँ पे भी कोई नया व्यक्ति मुझे सुन रहा है तो जल्दी से जल्दी आपके फास्टेस्ट परसेंट लेवल को अचीव करो और यही डुप्लीकेट करो आपके इसी महीने में टीम में 15 लोगों के साथ, और आपको पकड़ के 16 हो गए तो आप इसी महीने में फास्टार्ट ब्राउन डायरेक्टर बन सकते हैं। इतना सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन उसको यूज में लाना होगा, कंटिन्यूएशन में लाना होगा, बराबर। तो ये ऑप्शन मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। देखिए हम जब भी किसी को प्लान दिखाते हैं, अभी आप नए व्यक्ति के साथ काम कर रहे हैं तो वहां पे हमारे खुद के लिए भी प्लान करते हैं या किसी हमारे डाउनलाइन के लिए भी काम करते हैं, तो वहां पे ध्यान देना है कि सभी लोग डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनेंगे, तो ये आपके पास हमेशा होना चाहिए कुछ कस्टमर किट रेडी होने चाहिए। अगर आप इसके प्रिंटआउट निकाल के रखते हो तो बेसिक चीजें है जो हर घर में जरूरी है, वो सामने वाला व्यक्ति का आमदनी कितनी है ये मैटर नहीं करता, बराबर। वो अमीर है गरीब है, वो क्या करता है क्या नहीं करता है कुछ मैटर नहीं करता है, ये बेसिक चीजें जो हर घर में लगने वाले। तो आपने ऑप्शन देखा वहां पे हमने डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए, अगर वो व्यक्ति प्लान दिखाने के बाद हम उनको पूछते कि आपको बिजनेस किस तरह से करना है, अगर वो बोलता है कि मुझे बिजनेस नहीं करना है लेकिन मुझे प्रोडक्ट यूज करने है, तो हम उनको सीधे कंज्यूमर बना सकते हैं, और कंज्यूमर हमारे होने ही चाहिए क्योंकि हम बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, तो कुछ कस्टमर हमारे होने चाहिए, उसके लिए कस्टमर किट है। अभी ये 47.66 ये करीबन अमाउंट अगर आप देखते हो तो 1700-1800 रुपए के आसपास के प्रोडक्ट है जो हर घर में लगने वाले प्रोडक्ट्स। आप इसके ऐसे इस तरह से किट बना सकते हैं। एक दूसरा किट है मैंने 60 पीवी का बनाया। अभी बहुत सारे लोग होते हैं कि जो 50 पीवी 55 पीवी तक परचेस करते हैं, तो आप उनको गाइडेंस कर सकते हो कि 2-5 पीवी अगर आप बढ़ाते हो और इसको कंटिन्यूएशन में रखते हो 12 तारीख से पहले, तो आपको कंसिस्टेंसी ऑफर का भी बेनिफिट मिलेगा। तो 60 पीवी का भी आपने एक कस्टमर किट बना के रखना है। और उसके बाद दोस्तों जो हमारी फर्स्ट स्टेप है, जो कोर हम बोलते हैं, तो ये कोर का क्वालिफिकेशन को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कोर क्वालिफिकेशन क्या है दोस्तों? तो हमारे पर्सनल 150 पीवी 10 तारीख के पहले होने चाहिए। अभी यहाँ पे मैंने 10 पीवी ऐड कर दिया, अभी आप 160 ही मान के चलिए। तो 160 पीवी हमारे 10 तारीख के पहले होने चाहिए। 10 कोर स्टेप हम डेली बेसिस पे फॉलो करना चाहिए। बी अ प्रेजेंटर एंड मिनिमम 2-4 प्लान रोज हमारे होने चाहिए। प्लान मतलब क्या? मार्केटिंग प्लान आपने किसी को बताना है, इस तरह से आपको गाइडेंस करना, बराबर। तो ये हमारा रेगुलर होना चाहिए। नेक्स्ट है 100% प्रोडक्ट यूजर। हम बिजनेस कर रहे हैं, बराबर। यहाँ पे एक चीज मुझे समझ में आती है क्योंकि मेरा बिजनेस था, तो मुझे पता है मेरा अभी वॉशिंग सेंटर है, मेरा कार का वॉशिंग सेंटर है, और वो वॉशिंग सेंटर में बैठा हूँ और मेरे पास अभी भीड़ लगी है, 10-15 गाड़ियां है, और मेरी गाड़ी अभी मुझे निकलना है बाहर मेरे फोर व्हीलर में धोने के लिए, अगर दूसरे वॉशिंग सेंटर में देता हूं तो क्या प्रभाव पड़ेगा कस्टमर के ऊपर? कस्टमर कभी वापिस मेरे पास आएंगे फिर ये देखने के बाद? अरे तू तो खुद तेरी गाड़ी दूसरी जगह धुला रहा है तो तेरे पास कौन आएगा? कोई भी सोचेगा कि नहीं? सोचो आप। तो मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, मैं कमिटेड नहीं हूं अपने बिजनेस के साथ, तो कोई दूसरा कैसे हो सकता है? तो अपने आप के साथ कमिटेड रहना है, 100% प्रोडक्ट को यूज करना है, और उसके साथ जैसे मैंने बताया 5-10 हमारे लॉयल कंज्यूमर को डेवलप करना है। और नेक्स्ट है मस्ट बी सीपी सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। अटेंड मीटिंग एंड ट्रेनिंग रेगुलरली। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो आपको कोर बनना होगा, और कोर बनने के लिए जो भी हमारे मीटिंग्स आते हैं, ऑनलाइन आते, फिजिकल आते, तो वहां पे आपको अटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप कमाओगे नहीं, बराबर। नेक्स्ट है ओन बिजनेस टूल बैग। अभी ये टूल जो है, टूल बैग मतलब क्या है?
जब हम किसी को प्लान दिखाने जाते हैं तो आपके पास वो टूल बैग होनी चाहिए जहां पे प्रेजेंटेशन विनिंग टीम का प्रेजेंटेशन बुक आपके पास होना चाहिए, आपके पास कुछ प्रोडक्ट के लीफलेट होने चाहिए, कुछ इंफॉर्मेटिव चीजें होनी चाहिए जहां पर आप, उसके साथ डेमो बॉक्स होना चाहिए, कुछ प्रोडक्ट के आपने डेमो करके भी दिखाने पड़ेंगे। तो ऐसे बेसिक जो चीजें है वो आपका खुद का एक किट बनाना होगा। और अभी दो दिन पहले की बात है, हमारे दिल्ली का एफआरयू अभी खत्म हुआ और दिल्ली के एफआरयू में हमारे बहुत प्यारे लीडर है जयदीप तिवारी जी, और उन्होंने मतलब हम प्रेडिक्ट करते रहते ना कि ये इसको लेके जाऊं क्या नहीं लेके जाऊं, इसको प्रमोट करूं क्या नहीं करूं, और ऐसे वो द्विधा में थे। लेकिन एक फार्मर को वो दिल्ली एफआरयू प्रमोट किया उन्होंने और वो फार्मर भी कनेक्ट हुआ और वो दिल्ली एफआरयू अटेंड करने गया। अभी वो फंक्शन में उन्होंने पहले दिन उनसे बातचीत की, आधा दिन तक तो उसको कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अगले दिन से, पहला दिन तो ऐसे ही चला गया, अगले दिन से वो फार्मर कुर्सी पे बैठा ही नहीं। वो फार्मर दो दिन आगे स्टेज के पास खड़ा रहते हुए इस बिजनेस को समझ लिया और वो जैसे दिल्ली से घर गया वो परसों के दिन सुबह उसकी बाइक के ऊपर वेस्टिज के ड्रेस कोड के साथ वो प्लान दिखाने स्टार्ट किया और वो ये टूल बैग जो है खुद की टूल बैग बना के। तो अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो ये सारी चीजें फॉलो करनी होगी। टूल बैग अपना होना चाहिए, ना कि आप बार बार अपलाइन का यूज करें। डेमो बॉक्स भी अपना होना चाहिए और विनिंग टीम सिस्टम को हमें फॉलो करना है। ये बेसिक क्राइटेरिया है कोर का। कोर मतलब क्या, मराठी में उससे कहते हैं कट्टर, बराबर। तो कोर हमें बनना है, मतलब हमारे बिजनेस के लिए कमिटेड बनना है, कट्टर बनना है, बराबर। ये हो गया कोर। जैसे मैंने टूल्स की बात की, ये विनिंग टीम का टूल्स है। आपको नीचे उस विनिंग टीम की साइट भी आई है और कॉन्टेक्ट नंबर भी आया है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। जो भी जरूरी चीजें है, देखिए टूल्स के बिना नहीं होगा, बराबर। आपके पास डायरी भी विनिंग टीम की होगी, प्रेजेंटेशन दिखाने के वक्त उस आप उनको बता सकते हो जो प्रोडक्ट वाउचर है या प्रेजेंटेशन बुक है, ऐसे कुछ चीजें है जो आप विनिंग टीम के रखते हो तो आपका इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा, बराबर। तो ये सारी चीजें आपके साथ होनी चाहिए, ये टूल्स है। और उसमें मैंने जो जिक्र किया था कि ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है स्टार्टर पैक। सबसे पहला है स्टार्टर पैक और दूसरा है एटीट्यूड बुक। ये दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए। एटीट्यूड बुक मतलब आपकी वो तिजोरी है, वो तिजोरी में सारे जो हीरे जवाहरात है वो सब भरे हुए है। उसमें आप देखोगे क्राउन डायरेक्टर से सारे लोग वहां पे मौजूद है, क्राउन है, यूसीडी है, डीसीडी है, डीयूसीडी है। और आप जब कभी फिजिकली उनसे मिलते हो तो आप उनका अगर ऑटोग्राफ लेके रखते हो तो आप प्रेजेंटेशन जिसको दिखाने जा रहे हो, अभी कोई अगर इंजीनियर है तो आप उनको बता सकते हो कि आपके जैसे बहुत सारे इंजीनियर्स हमारे साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, तो वो देखने के बाद वो भी बोल सकता है अरे ये इतने सारे लोग कर रहे हैं, तो वो उसका बिलीफ बढ़ेगा, बराबर। और ये आप बिलीफ ट्रांसफर कर सकते हो विनिंग टीम एटीट्यूड बुक से, तो ये आपके पास होना बहुत जरूरी है। उसके नेक्स्ट कुछ आपको ऑडियोज और वीडियोज को सुनना पड़ेगा। अगर आप नए हो, अभी तक आपने इस शुरुआत नहीं की है या की है लेकिन आपको ये पता नहीं है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। कुछ बेसिक चीजें जिसमें ऑडियो आप देखोगे, यूफोस्ट है गौतम बाली जी का, फायर सीडी है बारिम सर की, ऐसे बेसिक ऊपर लिखे हैं मैंने। और ये प्रोस्पेक्ट को भी आप दे सकते हो सुनने के लिए, बराबर। ये रैली सीडीज है या वीडियोज है कि आप आपके नए व्यक्ति जो जुड़ा नहीं है उसको भी सुनने के लिए गिफ्ट कर सकते हो, अगर आपने विनिंग टीम का एप्लीकेशन डाउनलोड किया है और उसमें सीपी सब्सक्रिप्शन किया है तो आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं, बराबर। और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद, अभी आप अगर डिस्ट्रीब्यूटर हो तो क्या क्या चीजें जरूरी है, अगर आप यहाँ पे बैठे हो आपकी टीम नहीं आई है तो भी आपको इसको स्क्रीनशॉट निकाल के आप आपके डाउनलाइन तक पहुंचा सकते हो कि ये सीडीज सुनना स्टार्ट करें। ये बेसिक सीडीज है जो नॉलेज हमें शुरुआती वक्त में बहुत जरूरी है, वो नॉलेज यहाँ पे आपको पॉइंट टू पॉइंट मैंने नोट डाउन किया है, तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप निकाल सकते हैं। उसके बाद 10 core step, ये 10 core step हमें डेली बेसिस के ऊपर फॉलो करने हैं दोस्तों। अभी ये डेली बेसिस के ऊपर कैसे फॉलो करेंगे, तो ये पहले स्टेप समझ लीजिए। पहला स्टेप है डिफाइन द ड्रीम। डिफाइन द ड्रीम ये काम करेगा आपके खुद के ऊपर, वर्क ऑन आवर सेल्फ, बराबर। बुक सीडी सीईपी मीटिंग, ये जो दूसरा स्टेप है ये हमारी कमिटमेंट है।
अगर हमें कोर बनना है, कमिटेड बनना है, हमें बिजनेस को बड़ा बनाना है, हमारे सपने जल्दी पूरे करने हैं, तो ये सारी चीजों को हमें फोकस करना है। बुक्स हमें रेगुलर बेसिस पे 10-15 मिनट या आधा घंटा, जो भी आपको पॉसिबल हो, आप बुक्स पढ़ना स्टार्ट करें। जो सीपी एप्लीकेशन से उसमें जो ऑडियोज है उसको लर्न करना स्टार्ट करें, बराबर है। जो मीटिंग्स हमारी रेगुलर होती है उसको अटेंड करना है। थर्ड, 100% प्रोड्यूस, ये भी हमारे कमिटमेंट के ऊपर है, बराबर है। चौथा, मेक अ लिस्ट, ये एक्शन है दोस्तों। आपको आपकी प्रॉपर लिस्ट बनानी है, कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट, शो द प्लान एंड गेटिंग स्टार्टेड, ये चार स्टेप आते हैं एक्शन में। ये हमारा रियल वर्क है इस बिजनेस में। और उसके बाद जो है दोस्तों, काउंसलिंग विद अपलाइन, ये आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाएगा, आपके कैरेक्टर को बिल्ड करेगा। काउंसलिंग एवरी टाइम, आपका बिजनेस अप हो, आपका बिजनेस डाउन हो, आपका बिजनेस स्टक हुआ है, सारे सिचुएशंस में अपलाइन के साथ में काउंसलिंग में रहना है आपको, बराबर, एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के साथ। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी, ये अकाउंटेबिलिटी और जो लास्ट स्टेप है लर्नेबल, टीचेबल, डुप्लीकेबल, ये दोनों स्टेप आपके पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करेंगे दोस्तों, बराबर। ये भी कैरेक्टर बिल्ड करने, अकाउंटेबिलिटी, अगर आप अकाउंटेबल बनते हो तो डेफिनेटली आपका कैरेक्टर सेट होता है, बाकी लोगों के नजर में आप एक आपने टाइम दिया है तो उस टाइम पे अगर आप पहुंचे तो आप अकाउंटेबल हो, तो वो अकाउंटेबिलिटी सामने वाला व्यक्ति उसको अच्छा लगता है। अगर आपने 10 का टाइम दिया और 10 बजे के 5 मिनट पहले या 10 मिनट वहां पे पहुंचते हो तो वो आदमी सोचता है कि ये कमिटेड है तो हम इसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं, हमें पता नहीं सामने वाला क्या सोच रहा है, लेकिन हम टाइम टू टाइम अगर जाते हैं तो बहुत प्रभाव हमारा अच्छा पड़ेगा, आपका कैरेक्टर बिल्ड हो सकता है। और इस बिजनेस में महान काम है दोस्तों लर्नेबल, टीचेबल, डुप्लीकेबल। सबसे पहले सीखना, जब ये अभी आप जो कर रहे हो, आज ये मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लर्न कर रहे हो, तो वो लर्न करना पड़ेगा और बाद में क्या करना है, टीच। हमारी टीम जो बनने वाली है या अभी बनी है, वो उनको जाके डुप्लीकेट करना है, टीच करना है और यही काम को डुप्लीकेट करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये 10 कोर स्टेप को आपको डेली बेसिस पे करने के लिए यहाँ पे हमारा खुद का एनालिसिस शीट है। ये आप उसका प्रिंट निकालिए, आपका नाम लिखिए, अभी मंथ सितंबर मंथ चल रहा है, अभी 2 तारीख है, कल का छोड़ दीजिए, आज से भरना स्टार्ट करें। आपने ड्रीम की तरफ देखा क्या, आपका ड्रीम बुक ओपन करके देखा क्या, आपने आपके घर में आपका ड्रीम बोर्ड लगाया क्या, विजन बोर्ड लगाया क्या, अगर वो है तो उसको टिक करिए। बुक आपने पढ़ा क्या, सीडी सीपी किया क्या, 100% प्रोडक्ट यूज किया क्या, लिस्ट बनाया क्या, लिस्ट में कोई नया नाम ऐड हुआ है क्या, आपने आज प्लान दिखाया तो कितने दिखाए, कितने गेटिंग स्टार्टेड किए, काउंसलिंग विद अपलाइन, अपलाइन को कॉल किया क्या, आपने दिन भर में अकाउंटेबल रहे क्या, और लर्न टीच डुप्लीकेट कुछ किया क्या। ये डेली बेसिस पे आप जब भरना स्टार्ट करोगे तो ये क्या है, ये आपका खुद का प्रोग्रेस रिपोर्ट है। ये अभी सितंबर में जैसे 30 तारीख है, ये तो ये 30 तारीख तक आपने इसको भर दिया, और जो आपने गोल बनाया था इस मंथ के लिए कि ये गोल मुझे अचीव करना है, ये लेवल है मैं मुझे अचीव करना है, लेकिन 30 तारीख तक आप ये पहुंचने के बाद आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हो कि ये देखने के बाद कि कहाँ पे गलती हो रही है, कहाँ मुझे ऐड करना है, और ये स्टेट आप आपके अपलाइन के साथ में भी डिस्कस कर सकते हो कि ये मेरा 10 स्टेप का चार्ट है और मुझे बताइए अभी मेरे बिजनेस को ग्रो करने के लिए उसमें क्या क्या जरूरी है, तो आप भी उनसे गाइडेंस ले सकते हैं, बराबर। तो इस तरह से ये हमें करना होगा। यस, यहाँ तक तो सारी बातें क्लियर है, कोई मुझे गाइड कर सकता है कि मैं यहाँ पे कोई बात नहीं कर रहा है, मैं अकेले ही बात कर रहा हूँ, तो क्या मेरी बात आप तक कनेक्ट हो रही है, रंजित सर, विकास सर? यस यस संदीप सर, यस सर, यस सर, संदीप सर, गो अहेड। ओके, ग्रेट ग्रेट। तो नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अकेले ही बात कर रहा हूँ, और चैट बॉक्स ओपन है दोस्तों, अगर आपको कुछ भी बात करनी है या जो आप यहाँ पे मुझसे बात करना चाहते हो तो वो भी चैट बॉक्स में राइट डाउन कर सकते हैं, ताकि काफी जो क्राउन लीडर्स है मुझे गाइड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है, अभी यहाँ तक हमने देखा फर्स्ट स्टेप कोर स्टेप, और सेकेंड स्टेप है दोस्तों गो गेटर क्वालिफिकेशन। अभी गो गेटर क्वालिफिकेशन क्या है उसको थोड़ा फोकसफुली समझते हैं। क्रिएट अ 6 कोर इन 6 डिफरेंट लेग। अभी आप कोर बन गए, जो अभी क्राइटेरिया मैंने बताया ये आपने खुद ने करना स्टार्ट किया, अभी आपको आपके डुप्लीकेट्स बनाने हैं।
आपके डाउनलाइन में जो नए लोग हमारे साथ आने वाले हैं उनको हमें कोर बनाना है। और ये कैसे बनाने हैं? छह अलग अलग लेग में, छह अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में हमें वो कोर बनाने हैं। तो आप बन जाते हो गो गेटर। और गो गेटर के लिए और क्या क्राइटेरिया है? सीपी सब्सक्रिप्शन होना चाहिए और कंप्लीट पीएसी पर्सनल एक्टिविटी सर्कल हमें खुद फॉलो करना है। और प्रमोट, अभी तक क्या था, हमें वेस्टिज और विनिंग टीम को फॉलो करना था, लेकिन गो गेटर में क्या है, अभी हमें प्रमोट एक स्टेप आगे बढ़ना है और प्रमोशन की तरफ फोकस करना है। तो यहाँ पे क्या प्रमोट करना है, वो प्रोडक्ट्स हो सकते हैं या मीटिंग्स हो सकती है या कोई सेमिनार हो सकता है, इवेंट हो सकते हैं वेस्टिज के हो या विनिंग टीम के हो, तो उनको प्रमोट करना है हमारी टीम के साथ, ताकि आपके भी कुछ लोग कमिटेड होके कोर बने और गो गेटर भी बने। तो लर्न, टीच और डुप्लीकेट, ये ही स्टेप हमें हर बार फॉलो करनी है, बराबर। तो ये सिंपल कैलकुलेट क्राइटेरिया है गो गेटर का। अभी पीएसी क्या है? ये पीएसी दोस्तों पर्सनल एक्टिविटी सर्कल, मतलब क्या है कि अपने आप को, अभी आपके डाउनलाइन भी है, आपके अपलाइन भी है, लेकिन ये दोनों को छोड़ के अपना एक सर्कल आपको बनाना है, एक्शन का सर्कल है। अभी ये एक्शन सर्कल क्या है, रोज दो से चार प्लान दिखाना है। अभी तो लॉकडाउन जब से हुआ है हम सभी लोग वर्चुअली आ गए, तो अभी कितने दिन भर में 10-15 भी प्लान हो सकते, बराबर। तो कैसे भी आपको दो से चार मिनिमम प्लान दिखाने हैं विथ 50% ज्वाइनिंग रेशियो। अगर मैं दो प्लान दिखा रहा हूं तो एक ज्वाइनिंग तो रोज मेरी होनी चाहिए, बराबर। अगर मैं चार दिखा रहा हूं तो दो ज्वाइनिंग तो मेरी होनी चाहिए, और मिनिमम ज्वाइनिंग 150 पीवी से होनी चाहिए, 4500 या अमाउंट 5000 के आसपास होगा। और जो मैं गेटिंग स्टार्टेड में ऑप्शन नंबर वन बताया था, वही चीज से हमें हमारे नए लोगों के साथ काम, उनको भी ये गाइडेंस करना है। विनिंग टीम का टूल्स उनके पास 1000 रुपए का कम से कम देना है। फॉलो यूअर एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन और विनिंग टीम सिस्टम, आप कनेक्टेड रहना चाहिए ऑल अपलाइन के साथ, विनिंग टीम सिस्टम के साथ आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। ये सारी बातें कि आपको एक खुद, अभी देखिए ये कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो बेसिक चीजें करता हूं कि मैं अगर दो प्लान भी करता हूं, अगर मुझे पीएससी को फॉलो करना है तो मैं दो प्लान भी करता हूं, रोज मेरी एक ज्वाइनिंग होती है और वो कम से कम 150 पीवी से भी होती है, तो आप सोचिए महीने भर में मेरे ज्वाइनिंग कितने निकले, 30 ज्वाइनिंग निकले। और लगभग अगर 4500 150 पीवी से मैं करता हूं तो मेरा पर्सनल एक्टिविटी सर्कल 1 लाख प्लस का बना। तो मैं यहां पे कहना चाहूंगा कि 1 लाख रुपए का बिजनेस हमें खुद को डेवलप करना आना चाहिए, और ये अगर आपने कर दिया तो आप इसको सही तरीके से डुप्लीकेट कर पाओगे अपने टीम में, और आपका वॉल्यूम इतना बढ़ेगा और जिस वॉल्यूम की वजह से आपके सबके चेक बनेंगे, बराबर है। क्योंकि हम यहाँ पे पैसा बनाने आए तो पैसा बनाना जरूरी है, पैसा कहाँ से बनेगा, टर्नओवर से बनेगा। तो ये टर्नओवर मेंटेन करने के लिए और कंटिन्यूस रखने के लिए ये पीएसी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये पीएसी को हमें फॉलो करना है। और नेक्स्ट है दोस्तों जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और एफआर में भी हमने देखा इस 500 पीवी सर्कल का क्या नतीजा है, और यही चीज आज मैं बहुत पैशनेटली यहाँ पे बोल पाऊंगा। तो आर यू विथ मी रंजित सर, मुझे बताना कितने लोग हैंड रेज कर रहे, क्योंकि उतने ही लोग ये सेशन के बाद अपना चेक 6 महीने में 1 साल के अंदर 10 गुना बढ़ाने वाले। आप सुनने के लिए तैयार है, आप लर्न करने के लिए तैयार है, ये पावर ऑफ 500 पीवी सर्कल क्या है? यस संदीप, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने लोग कनेक्ट हैंड रेस कर रहे हैं सर? 21 लोगों ने किया है अभी तक। अरे वाह, बहुत बढ़िया, मैंने तो कमी एज्यूम किया था, लेकिन मैं अगर 20 लोग भी इसको, देखिए ये मीटिंग हर एक व्यक्ति के लिए, लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ये मीटिंग का मेरा जो उद्देश्य है, एक व्यक्ति ने भी डिसीजन लिया और ये जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ इसको अगर आपने फॉलो किया, अपने जिंदगी में बदलाव किया, तो ये आज के मीटिंग का मेरा ये सब मैं मानता हूँ कि ये मीटिंग सक्सेस हुई, बराबर। तो अभी उसमें से वो एक व्यक्ति कौन है वो अपने आप को देखिए। चलो स्टार्ट करते हैं पावर ऑफ 500 पीवी सर्कल। सबसे पहले क्यों 500 पीवी सर्कल करना है इसको थोड़ा समझते हैं। अभी हम लोग ये टर्नओवर बेस्ड बिजनेस में है, बराबर।
क्योंकि हम जितना ज्यादा टर्नओवर करेंगे उतना हमारी चेक आमदनी बढ़ने वाली है। और दूसरा है कि ये सभी सेल्स वॉल्यूम और टर्नओवर के ऊपर डिपेंड करता है। अभी 100 पीवी जो भी व्यक्ति 100 पीवी से शुरुआत करता है उसका कंज्यूमर माइंडसेट होता है, वो कंसिस्टेंसी के लिए शुरुआत कर रहा है, 4 महीना कंसिस्टेंसी करेगा, 5वें महीने में फ्री लेगा, उसके बाद वो फोन उठाना बंद करेगा, कंज्यूमर माइंडसेट। लेकिन आपको पता है कि ये बिजनेस माइंडसेट से शुरुआत करने वाला है तो आपको उसको जल्दी से जल्दी ये 500 पीवी क्लब में कनेक्ट करना है और कंप्लीट 500 पीवी फर्स्ट वीक। हमारा जो 10th विनिंग टीम का क्राइटेरिया है कि 10th के पहले होना चाहिए, वैसे ही ये फर्स्ट वीक में ही उसका 500 पीवी सर्कल होना चाहिए। आप यहाँ पे ओल्ड हो नए हो कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन 500 पीवी क्लब अगर आप अचीव करते हो तो आप समझ नहीं पाओगे इतना बड़ा टर्नओवर आप कर सकते हो। ये फर्स्ट वीक में आपने किया, मेंटेन आपका कस्टमर का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, 20-30 लॉयल कंज्यूमर हमारे जो मेंटेन करने हैं। और अभी आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हो तो हर बार हम DLCP जाके प्रोडक्ट परचेस करते नहीं आएंगे, तो थोड़ा हमारे पास 15,000-20,000 का स्टॉक हमारे पास होना चाहिए। यहाँ पे एकनाथ सर ने बहुत अच्छी तरीके से एक एक्सप्लेन किया था कि अभी बहुत सारे लोगों को ये 15,000-20,000 रुपए का स्टॉक हमारे घर में रखना, सर इतना तो फिर पैसा नहीं हमारे पास कैसे करेंगे, ये सोच हमारी चालू होती है। और ये सोच कौन सी है? कंज्यूमर माइंडसेट। तो यहाँ पे हमें बिजनेस माइंडसेट की तरफ आप थोड़ा सा सोचो कि हमारे एरिया में जो भाजी बेचने आती है या कोई पर्सन आता है बेचने के लिए तो उसका दिन भर का धंधा कितना होता है, आपने कभी गौर किया उसके ऊपर? उसका दिन भर का धंधा कम से कम 4,000-5,000 का होता है, और महीने की बात करें तो वो महीने में टर्नओवर कितना करता है सोचिए आप। अगर 5,000 भी पकड़ते तो 1.5 लाख रुपए का वो बिजनेस करता है पूरे महीने में, और उससे फिर उसकी आमदनी निकलती है। या कोई पान टपरी भी चलाता है तो उसको भी जाके आप पूछो कि एक दिन का टर्नओवर कितना है, वो भी आपको बताएगा 4-5 हजार मेरा दिन भर का गल्ला है। तो सोचो दोस्तों, मैं तो इन लोगों के साथ कंपेयर कर रहा हूं, अभी आप खुद से कंपेयर करिए कि आपके हाथ में अभी जो मोबाइल है वो मोबाइल की कीमत कितनी है। अभी हर एक के हाथ में स्मार्टफोन है और स्मार्टफोन की कीमत कम से कम 15,000-20,000 रुपए, और एप्पल वगैरह आए तो वो तो 50+ भी चले जाते हैं। और ये मोबाइल से आमदनी क्या है? चलो अभी ये फूट गया तो कब भी लेंगे? आपके हाथ में जो मोबाइल है उसको आप नीचे छोड़ दो, ये फूट गया अभी कभी लेना है? तुरंत लेना है। अभी तुरंत लेने के लिए फिर पैसा कैसे जुगाड़ होगा? आप तो बोल रहे थे पैसा नहीं है, लेकिन अभी तुरंत हम उसको लेने के जाएंगे दुकान में, बराबर? तो इतना तो हमारे होता ही है। लेकिन आप सोचो कि यही अगर आप वेस्टेज के प्रोडक्ट को आपके घर में एक सेंटर बनाते हो तो हर बार आपको DLCP जाना नहीं पड़ेगा, हर बार वो ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करने पड़ेंगे, आपके पास स्टोर में रहेंगे, और स्टोर में रहेगा तो डेफिनेटली आप किसी को भी उसको मूव कर सकते हैं। तो इसके लिए वो हमें मेंटेन करना है 15,000-20,000 का स्टॉक। अभी इसकी पावर देखो, ये अगर आपने करना स्टार्ट किया अभी 500 पीवी क्लब, अगर आपको चेक बनाने हैं तो एक एग्जांपल यहाँ पे विनिंग टीम के स्टेज के ऊपर से अमित गुप्ता सर ने बताए थे, अनु गुप्ता सर ने, कि आपको 25,000 का अगर चेक चाहिए तो आपको 25 लोगों को आपके टीम में कोर बनाना है। सिंपल कैलकुलेशन, नो उसमें कुछ लॉजिक नहीं लगाना है, यही चीज को फोकस करना है। आपको 25,000 का चेक बनाना है, 25 लोगों को 500 पीवी क्लब में लेके आइए। आपको 50,000 का चेक बनाना है, 50 लोगों को 500 पीवी क्लब में लाइए। 1 लाख का चेक बनाना है, 100 लोगों को 500 पीवी क्लब में कनेक्ट करिए। सिंपल कैलकुलेशन। अब इसके ऊपर भी जो हमें मिलने वाला है वो है लाइफ ऑफ ब्लिस, जिसको लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस वो भी आप कह सकते हो LOB। तो LOB भी क्रिएशन होगा इससे फास्टली, और LOB बढ़ेगा तो डेफिनेटली आपकी इनकम बढ़ेगी। अभी नए लोगों को LOB क्या है वो समझ में नहीं आया होगा, आपके अपलाइन के साथ डिस्कस करें, वो आपको गाइड करेंगे। देखिए, दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक ग्रीन कलर, जो आप बोलो वो तुरंत रेडी टू एक्शन, बराबर है, वो तुरंत वो करना स्टार्ट करेंगे। दूसरा है येल्लो, वो आराम से 50-50, कोई घाई नहीं हमें, चलो आज नहीं हुआ कल,
और रेड कभी नहीं। तो ये तीन के ऊपर आपको थोड़ा फोकस करना है और इसके ऊपर ही हमारा बिजनेस डिपेंड है दोस्तों। हमारा जो टाइम है, हम ऑलरेडी बहुत सारे लोग पार्ट टाइम में इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे, तो ऑलरेडी होता ही कम टाइम है, और वही टाइम अगर हम रेड के पीछे या येलो के पीछे दे रहे तो फिर ग्रीन के पीछे फोकस करने के लिए हमें समय नहीं जो ऑलरेडी हमारे साथ काम करते हैं, बराबर। तो ये कौन फॉलो कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, उन्हीं लोगों के साथ में हमें आगे इस कंटिन्यूएशन में रखना है। और मैजिक अभी यहां से मैजिक शुरू होगा दोस्तों, सॉरी फर्स्ट मंथ। अभी आप बिल्कुल सभी लोग जो अगर आप क्राउन हो, डायमंड हो या कोई भी किसी भी लेवल पे है, अभी आप जीरो कर लीजिए। हम अभी जीरो बनते हैं और नए से शुरुआत करते हैं। मैं भी इसी तरह से शुरुआत कर रहा हूँ 500 पीवी क्लब में फर्स्ट मंथ में। अभी मैं यू लिखा हूँ, आपको दिख रहा है सर? रंजित सर, विकास सर, सिरीश सर, मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस, आपका स्क्रीन दिखाई दे रहा है। हाँ, वो मतलब आप पढ़ सकते हो? यस सर। ओके ओके, यस। तो यहाँ पे देखिए, जो मैंने सर्कल बनाया 500 पीवी क्लब का, यू लिखा है मतलब आप अपने आप को इमेजिन करिए वहां पे, और 150 पीवी प्लस 10 पीवी सेल्फ 160 पीवी। ये कैलकुलेशन में मत जाइए, कैलकुलेशन नहीं समझ में आया तो हमारे पास हमारी बहुत प्यारी अपलाइन है सीताराम पाटिल सर, वो आपको गाइडेंस करेंगे इसका। तो सिर्फ अभी ये इसके ऊपर फोकस करें कि यू 160 पीवी, और आपने जो एक्शन पीएसी आपने करना स्टार्ट किया तो उसमें क्या हुआ, इस महीने में आपके कुछ नए डिस्ट्रीब्यूटर बने, कुछ कस्टमर बने। तो यहाँ पे मैंने मोटा मोटी 500 पीवी क्लब बनाया, 160 पीवी आपके, तीन नए डिस्ट्रीब्यूटर आपने साइन किए उनका 100-100 पीवी पकड़ा है, और दो कस्टमर बने, एक ने 30 पीवी किया, एक ने 20 किया, आपके अलग अलग भी हो सकते हैं, या उससे 50 पीवी करने वाला भी हो सकता है, 10 पीवी वाले 7-8 भी हो सकते हैं। एक ये क्या बोलते हैं उसको, एग्जाम्पल के तौर पे समझे इसको, बराबर। मैंने टोटल किया यहाँ पे 510 पीवी का। अभी आप समझो कि यहाँ पे ये परफॉर्मेंस बोनस निकाला है कि आप शुरुआत में सिर्फ हमें परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, तो परफॉर्मेंस बोनस कैसे कैलकुलेट करना है वो आपको इस स्लाइड से नजर आएगा। और थोड़ा नीचे लेके आता हूं, यहाँ पे आपने देखा कि फर्स्ट मंथ, अगर यहाँ पे पिछले महीने में कोई नया व्यक्ति जुड़ा है वो भी 500 पीवी क्लब अचीव करता है तो परफॉर्मेंस बोनस इतना इसके अप्रॉक्स आएगा। आपको रिटेल डिस्काउंट कितना हुआ, करीबन आपके खुद के 160 पीवी जो परचेस करने वाले हो उनकी एमआरपी करीबन 5,700 से 6,000 रुपए की एमआरपी होती है, तो आपको डिस्काउंट में मिले तो वो डिस्काउंट 850 रुपीज का। फ्री प्रोडक्ट आपको 10% के हिसाब से मिलने वाले तो वो 480 रुपीज। कंसिस्टेंसी, क्योंकि आप पहले मंथ हम रेगुलर अगर करते 4 महीने की तो हमें हर एक महीने में कंसिस्टेंसी का बेनिफिट मिलने वाला है, तो 100 और 60 का मिला के 925 रुपीज आपको बेनिफिट होता है। और पहले ही महीने में अगर आपको 500 पीवी हो रहे तो आप फास्टेस्ट परसेंट भी अचीव करते हैं, तो फास्टेस्ट परसेंट का वाउचर भी आता है, तो वो वाउचर डिस्ट्रीब्यूटर कॉस्ट में 750 रुपीज होता है, एमआरपी 920 रुपीज होता है। और दोस्तों अभी कंचन भाई ने हमें एक ऑफर बताई, वेस्टेज चॉम्प ऑफर, इसमें अगर आपने तीन नए लोगों को ज्वाइन किया है तो आपको 1,000 रुपए का एक प्रोडक्ट वाउचर भी मिलता है। तो ये सारा बेनिफिट अगर कैलकुलेट करते हो तो फर्स्ट मंथ में ही एक नया व्यक्ति 4,424 रुपए के आसपास उसका इनकम होता है, और ये सारा बेनिफिट मिलता है, मतलब वो हमारी इनकम है, वो रिटेल डिस्काउंट रहे या फ्री प्रोडक्ट रहे, हमारी आमदनी है, कंपनी की तरफ से मिलने वाला बेनिफिट है। तो फर्स्ट मंथ में ही 4,400 रुपए का बेनिफिट हुआ 500 पीवी क्लब में। पर अभी चलते हैं सेकेंड मंथ में। सेकेंड मंथ में क्या हुआ, आपने वापिस आपका 500 पीवी क्लब बनाया जो राइट साइड में दिखाई दे रहा है आपके स्क्रीन के, और जो लेफ्ट साइड में है जो पुराने डिस्ट्रीब्यूटर थे जिन्होंने पिछले महीने में स्टार्ट किया था, आपने उन डिस्ट्रीब्यूटर को सपोर्ट किया, उनको गाइडेंस किया, उनको हेल्प किया 500 पीवी क्लब अचीव करने के लिए, तो आपका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, बराबर है। अगर आप कैलकुलेशन करके देखोगे तो यहाँ पे मैं थोड़ा जूम करता हूं तो आपको नजर आएगा, यू सिर्फ वापिस हमने 160 पीवी किए और जो पुराने 100 करने वाले थे उनको ये इंपॉर्टेंस बताया 500 पीवी क्लब का, उनको मदद की इस महीने में 500 पीवी क्लब अचीव करने के लिए,
और आपने राइट साइड में आपका खुद का भी 500 पीवी क्लब किया, तो टोटल वॉल्यूम बनता है 2060 पीवी। बराबर है, जो नया व्यक्ति है वो भी समझे कि आपका सेकंड मंथ में ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए। आपने पुराने पिछले महीने के पीवी 510 पीवी और ये टोटल अगर आप करते हो तो क्यूमुलेटिव पीवी होते हैं 2570, मतलब आप क्वालिफाई होते हो एज अ 10%। तो सेकेंड मंथ में आप 10% क्वालिफाई करते हो और आपको ये परफॉर्मेंस बोनस और बाकी जो बेनिफिट है आपका, देखिए पिछले महीने में परफॉर्मेंस बोनस था 400 के करीब, यहाँ पे आपका परफॉर्मेंस बोनस बढ़ गया 1200 के करीब, और बाकी रिटेल डिस्काउंट, प्री प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी, और एक चीज ऐड होगी यहाँ पे वेस्टिज चैंप ऑफर। यहाँ पे क्या हुआ है, जैसे अभी कंचन दाई ने बताया था कि 3 पुराने डिस्ट्रीब्यूटर और 3 नए डिस्ट्रीब्यूटर ने अगर 100 पीवी कंटिन्यू करते हैं तो आपको 1000 रुपए के 2 वाउचर मिलेंगे, तो ये भी बेनिफिट मिलेगा। और सेकेंड मंथ में आपको वेस्टिज की तरफ से पूरा बेनिफिट मिलेगा 5400 रुपए का। अभी आप बोलोगे पहले महीने में 4400, दूसरे महीने में 5400। दोस्तों ये महीना हमारे लिए स्ट्रक्चर बनाने का महीना है, बराबर। और तीसरे महीने में जो मैजिक होगा वो आप देखते रह जाओगे। तीसरे महीने में मैजिक क्या होगा, देखिए यहाँ पे आपने आपका खुद का 500 पीवी क्लब अचीव किया नया, और जो फर्स्ट मंथ में किया था उनको भी गाइडेंस किया था आपने, उन्होंने भी कंटिन्यूएशन में रखा, और सेकंड मंथ में जो आपने लास्ट मंथ में जिनको 100 पीवी से शुरुआत किया था उनको कंटिन्यूएशन में रखा, तो आपका स्ट्रक्चर ऐसा तैयार होगा और आपके टोटल पीवी बनेंगे 8260 पीवी। और ये सारा कैलकुलेशन यहाँ पे है, ये स्लाइड भी आपको मिल जाएगी। आपका परफॉर्मेंस बोनस भी 2700 रुपए के आसपास बनेगा और आप बन जाओगे फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर, और फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने के बाद हमारा डायरेक्टर बोनस भी ऐड होगा, उसमें हमारा टीम बिल्डिंग बोनस भी ऐड होगा, और ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद आपको करीबन तीसरे महीने की आमदनी बन सकती है 28,900। आपके वॉल्यूम के हिसाब से कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन आप सोचो कि जो चीज आज हर व्यक्ति, हमारे पास जितने भी लोग कनेक्ट होते हैं इनकम के लिए तरस रहे, तो ये इनकम हम उनको दिला सकते हैं। ये जो विनिंग टीम ने रास्ता दिखाया उसको हमें फॉलो करना है, उनको एनकरेज करना है 500 पीवी क्लब में जाने के लिए। तो आप नए व्यक्ति का भी इनकम तीसरे महीने में 25,000 से ऊपर हो सकता है। आप सोचिए नया व्यक्ति 25,000 रुपए इनकम अगर तीसरे महीने में आपको शुरुआत होता है तो लाइफ में कितना बदलाव आ सकता है, बहुत सारा बदलाव आ सकता है। क्योंकि मुझे पता है मेरी तीसरे मंथ की इनकम 21,700 समथिंग थी, और उस टाइम पे पार्ट टाइम की इनकम थी, तो मैं बहुत खुश हुआ था जब मेरी तीसरे महीने की इनकम 21,000 ऊपर आई थी। तो दोस्तों यही इनकम आप भी पा सकते हो, बस हमें थोड़ा सा फोकस करना है, थोड़ा सीरियस होना है और कमिटेडली काम करना है। ये तीसरे महीने का मैजिक हुआ दोस्तों। अभी कितने लोग तैयार है कि तीसरे महीने से चौथे महीने का बेनिफिट देखने के लिए? अभी आपको अंदाजा आया होगा कि ये क्या होने वाला है। यहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा दोस्तों। चौथे महीने में आप सोचिए आपका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, आपके हर एक, अभी ये चौथा महीना है तो आप जो 5-5 के अलग अलग ग्रुप देख रहे हो तो ये भी 4 बन गए। आप सोचो जो पिछले महीने में 10% पे थे वो इस महीने में आप उनको ब्रॉन्ज लेके जा सकते हो, और आपके 3 लेग क्वालिफाई हो सकते हैं वो भी LOB के साथ में। सोचिए दोस्तों आप स्टार डायरेक्टर बन जाओगे चौथे महीने में अगर इसी स्ट्रक्चर को फॉलो किया, इसी 500 पीवी क्लब को फॉलो किया तो। और आपकी आमदनी अभी मैंने सीताराम पाटिल सर से गाइडेंस लेके ये किया है, अप्रोक्स मान के चलिए करीब 1,00,000 रुपए के आसपास स्टार डायरेक्टर का इनकम हो सकता है दोस्तों। सोचिए LOB ही आपकी 50,000+ आएगी, इतनी बड़ी आमदनी चौथे महीने में हो सकती है अगर सही स्ट्रक्चर को फॉलो किया, 500 पीवी क्लब को फॉलो किया। और दोस्तों फिफ्थ मंथ में आप बन जाओगे ब्रांड न्यू क्राउन डायरेक्टर, 5 महीने में क्राउन डायरेक्टर, और वो भी आप चेक की साइज देखोगे तो हक्का बक्का रह जाओगे। वो चेक की साइज है 3,85,000। सिर्फ ये मैजिक हमें हमारे अंदर बिल्ड करना है 500 पीवी क्लब। ये 500 पीवी क्लब से ये सारा कुछ हो सकता है दोस्तों।
आप खुद करना स्टार्ट करें, आपके टीम में लोगों को करना मदद करें, और आपकी लाखों की आमदनी कितने कम समय में हम ला सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बहुत सारे पुराने लोग होंगे तो वो भी सोचते रहेंगे इतना सब कुछ होता है। यस दोस्तों, क्योंकि हमने उसको फॉलो नहीं किया। अगर वो चीज को फॉलो किया, आप देख रहे हो आज हैदराबाद टीम इसी चीज को फॉलो कर रही है और आज उनके लाखों के चेक आप देख रहे हो। आज पुरुषोत्तम दासू सर का आपने 2018 से चेक अगर देखे, 2018 में कितने थे, 19 में कितने थे, 20 में कितने, 21 में कितने, और अभी 2022 में 7.5 लाख प्लस का इनकम ले रहे। वो क्यों, कैसे ले रहे दोस्तों? ये यही चीज को फॉलो कर रहे, विनिंग टीम सिस्टम को फॉलो कर रहे, विनिंग टीम टूल्स को प्रमोट कर रहे, और ये स्ट्रक्चर फॉलो करने की वजह से है दोस्तों। और लोगों को मदद करो, लोग तैयार है करने के लिए। कौन नहीं चाहता है 3-4 महीने में लाइफ चेंज हो जाए, 3-4 महीने में 50,000 रुपए की इनकम पे हम लेके जाए उनको, हर कोई चाहता है। तो हम उनको गाइडेंस कर सकते हैं, सही तरीके से गाइडेंस कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आपको 5वें महीने की आमदनी दिख रही है, ये करीबन 4 लाख के करीब है। आप सोचो कि जो मैंने यहाँ पे जो कैलकुलेशंस किए हैं वैसे ही होंगे, ऐसे मैं बिल्कुल नहीं ये पकड़ूंगा, लेकिन आप सोचो कि 25% आपने पूरी कोशिश की, आपने पूरा कमिटेडली काम किया और 25% भी रिजल्ट मिला, तो 4 लाख का चेक 5 महीने में 1 लाख का होगा कि नहीं होगा? अपने आप को सवाल करिए दोस्तों। हम यहाँ पे पैसा बनाने आए, ये हरगिज हो सकता है। सिर्फ यही चीज के ऊपर हमें थोड़ा फोकस करना होगा। और दोस्तों, जैसे मैंने 10 कोर स्टेप का आपको एक एनालिसिस शीट दिया था, वैसे ही पीएसी का भी एनालिसिस शीट है। जितने भी ब्रांच है ना, वो है, हमें हर एक को इसको भरना है। यहाँ पे आप देखोगे ड्यूसडी, हम 16 लेक से जाते हैं, तो यहाँ पे हर एक लेक का अलग अलग है। तो क्या है, कैसे है, नेम, सिटी, उसका स्टेटस, पिन स्टेटस, फंक्शन में कितने लोग आ रहे हैं, ये सब कुछ वहां पे लिखा हुआ है। इसको सिर्फ आपको भरना है और आपके अपलाइन को ये देना है सीट भर के। देखिए कैसे आपके बिजनेस में ग्रोथ आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पीएससी सीट को भरना। ओके, यस, मैं थोड़ा फास्ट करता हूँ, ऑलमोस्ट टाइम बहुत हो, लेट हुआ हूं मैं। यस, तो क्राउन क्लब क्वालिफिकेशन अभी आपने देखा कि इसी तरीके से हम अलग अलग, जैसे गो गेटर बने और उसको ही डुप्लीकेट किया आपके टीम में, तो आप क्राउन क्लब में आओगे और क्राउन भी बहुत जल्दी बन जाओगे। तो गो कोर, गो गो गेटर, गो क्राउन और गो 500 PV क्लब, और मैसिवली काम करेंगे। जैसे हमारी विनिंग टीम हमें सिखाती है टेम्पो मेंटेलिटी से, तो टेम्पो मेंटेलिटी को वापिस एक बार बरकरार रखेंगे। अभी FRU आ रहा है हैदराबाद, तो टेम्पो भर के हम हैदराबाद जा रहे और फुल एंजॉय करेंगे, फुल एक्साइटमेंट के साथ वो माहौल तैयार करेंगे, और वो जो एनर्जी वहाँ पे हैदराबाद टीम में है उसको हम हमारे यहाँ पे लेके आएंगे और हमारा बिजनेस को ग्रो करेंगे। यस, तो हम सब आपके साथ है, आप भी अपने आप को साथ दीजिए और ये सब कुछ आपके साथ हो सकता है। ये कुछ फोटोज मैंने कलेक्ट किए हैं, आप देख सकते हो मेरी पहले की लाइफ और अभी की लाइफ, ये सारा बदलाव हुआ है सिर्फ और सिर्फ विनिंग टीम और अपनी प्यारी अपलाइन की वजह से, क्योंकि उनके गाइडेंस के बिना ये पॉसिबल नहीं था। बराबर, तो कर कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तेरे जैसा, तो ऐसा कुछ करना होगा जो दुनिया आपको फॉलो करना स्टार्ट करे। तो आज क्राउन डायरेक्टर बनने के बाद विनिंग टीम एटीट्यूड में लोग ऑटोग्राफ भी ले रहे, आप देख सकते हो, अवार्ड्स भी मिल रहे, कार भी आ गई। ऐसे छोटे छोटे सपने आपके यहाँ से पूरे होना स्टार्ट हो सकते हैं। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सीरियसली इस सेशन को सुना। मैं एक ही चीज का वापिस दोहराना चाहूंगा कि हर एक व्यक्ति ने नहीं भी किया, मुझे पता है ये मीटिंग से एक व्यक्ति ऐसा निकलेगा जो ये 5 महीने में जो 4 लाख बताया वो 4 लाख नहीं लेकिन 1 लाख कमाने वाला एक व्यक्ति भी यहाँ पे आया, तो ये मीटिंग का मुझे पावती मिल जाएगा, मतलब बराबर। तो थैंक यू सो मच रंजित सर, बैक टू यू। यस यस, थैंक यू वेरी मच संदीप सर, थैंक यू वेरी मच।